बहुत ख़राब लगता है मुझे जब यू नो जब सब मैं देखती हूँ इंटरनेट पर, और सब ऐसे एक एक चीर फाड़ करके वो सारी चीज़ों को यू नो बताया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि वो इसी चीज़ की वजह से शायद उसने यू नो शी मस्ट हैव टेकन अ स्टेप जहाँ पे उसको पता नहीं है कि आगे उसको क्या करना है, कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो मैं सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगी हर किसी को कि लड़के आते जाते रहते हैं, तुम्हारी लाइफ में ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, व्हेन इट कम्स टू वर्क, व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ बहुत कुछ उतार चढ़ाव होते हैं। जितनी हिम्मत हमको ये गलत स्टेप उठाने में लगती है उससे कई कम हिम्मत लगती है हमें जीने में। और अगर हम अपनी दिल की बात अगर किसी को बता सके, जो भी हम जिस भी चीज़ से गुजर रहे हैं, कई बार हमारे में हिम्मत नहीं होती है, पर बस वो थोड़ी सी हिम्मत ये स्टेप लेने से अच्छा एक वो स्टेप ले लो जहाँ पे तुम जाके किसी से बात कर लो। आई थिंक वो सबसे बड़ी जीत होगी हम सबके लिए। एंड अब जब जो जो हो चुका है, जो नुकसान हो चुका है, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर आई वुड जस्ट वॉन्ट कि सब फैमिलीज जितनी भी इन्वॉल्व हो रही हैं वो एक बहुत ही ख़राब वक्त से गुजर रही हैं, तो हम उनको मतलब जजमेंट्स ना पास करके किसी पे भी कुछ भी ऐसा ना सोच के कि इसकी वजह से हुआ है या उसकी वजह से हुआ है, जो होना था वो तो हो चुका है, बस हमें ये सोचना है कि ये आगे ना हो। इसलिए जितने भी लोग हैं, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, आप लोग देखिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस चीज़ से गुजर रहे हैं, उनसे बात कीजिए और वो डर ना रखें कि वो कभी आके तुम्हें कुछ बोल ना सके। साथी दिव्या, अगर ऐसा कुछ होता है बहुत ज़्यादा, अगर आपको भी कभी बहुत प्रेशराइज होता है, क्या लगता है फैमिली कितना इम्पोर्टेंट प्ले करती है? बिकॉज फैमिली कहीं ना कहीं समझती है बात, जी, तो आपको जी क्या लगता है? मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत लाइफ में क्यों ना हो जाए, कितनी भी गंभीर बात लाइफ में क्यों ना हो जाए, अगर आप अपनी फैमिली के पास जाके अपने आप को सरेंडर कर दोगे और बोल दोगे कि भाई इससे आगे मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी क्या है, इससे आगे मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई उपाय होगा। डेफ़िनेटली जब तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा है, आई थिंक चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं जब तुम एक बार शेयर कर लो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी लोगों को कि बात करो। कहीं ना कहीं बिग बॉस को ना फॉलो कर रहे हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिग बॉस के बारे में मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी है। कहीं ना कहीं दुनिशा ने एक दूसरी फैमिली के ऊपर भरोसा किया, और एक ब्रेकअप का न्यूज़ लाइक सुनते ही उन्होंने जब सुना कि ब्रेकअप हो रहा है एंड ऑल, जो फैमिली को इतना सपोर्ट किया, फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया। क्या लगता है कि कोई और फैमिली पे ज़्यादा विश्वास करने से ज़्यादा अपनों पे विश्वास करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कोई फैमिलीज होती हैं जो आपको लाइफ टाइम में मिलती हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो ऐसा बोल भी नहीं सकते कि नहीं सिर्फ अपनी ही फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग हैं, लोगों में एम्पथी है, लोगों में दिल है, तुम्हारा क्या उनके साथ रिलेशनशिप है वो तुमको अच्छे से पता है, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर किसी चीज़ को भी ब्लेम करना ईजी है, या किसी और की फैमिली को या खुद की फैमिली को ब्लेम करना इजी है। जो स्टेप उन्होंने लेना था उन्होंने ले लिया, फॉर विच आई रियली फील इज़ अ वेरी सैड थिंग, बिकॉज जैसे ही साल शुरू हुआ है और ये सब जो बातें बाहर आ रही है, इट डजंट फील गुड, नहीं अच्छा लगता देख के। साथ ही